हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू आर परफेक्टली फाइन। दिस इज सईद एंड यू आर वाचिंग लेक्चर सीरीज ऑफ फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स ईटा। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ एमसीक्यूज किए थे रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड। आज उसी की कंटिन्यूएशन है। एमसीक्यू नंबर फर्स्ट है, फॉर जी इक्वल टू सिक्स कॉस ऑफ 310 डिग्री माइनस आयोटा साइन ऑफ 310 डिग्री मॉडुलस ऑफ जी एंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट आर व्हाट। ऑप्शंस गिवन है ए बी सी एंड डी। अगर हम यहाँ पर देख ले, z इज इक्वल टू सिक्स कॉज ऑफ 310 डिग्री माइनस आयोटा साइन ऑफ 310 डिग्री, सो इसको हम लिख सकते हैं, दिस इज बेसिकली, अगर हम देख ले, 310 डिग्री हमारे पास एक्सीड करता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट के डोमेन से। सो इसको बेसिकली हम किस तरह प्रिंसिपल बना सकते हैं, इसमें हम वर्कआउट इस तरह करेंगे, 6 इंटू कॉज ऑफ 310 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉज ऑफ 360 डिग्री माइनस 50 डिग्री एंड माइनस आयोटा साइन ऑफ 310 डिग्री को हम लिख सकते हैं 360 डिग्री माइनस 50 डिग्री। अब फर्दर ये हमारे पास इक्वल है, कॉज ऑफ 360 डिग्री माइनस 50 डिग्री हमारे पास आएगा किस क्वाड्रेंट में, दिस इज वन रिवॉल्यूशन यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है, दिस इज 360 डिग्री माइनस थीट आप करेंगे, सो इट विल लाई इन द क्वाड्रेंट नंबर 4 एंड क्वाड्रेंट नंबर 4 में हमारे पास कॉस क्या है, कॉस पॉजिटिव है, सो ये इक्वल है कॉस ऑफ 360 डिग्री माइनस 50 डिग्री विल बी इक्वल टू कॉस 50 डिग्री इन व्हाट, इन द क्वाड्रेंट नंबर 4। मीन ये इन जनरल किस तरह है, कॉज ऑफ 360 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉज ऑफ थीटा प्लस, अगर हम साइन को देख ले, दिस इज व्हाट, माइनस आयोटा साइन ऑफ 360 डिग्री माइनस 50 डिग्री को हम किस तरह लिख सकते हैं, अगर हम क्वाड्रेंट नंबर 4 में देख ले, दिस इज यहां से यहां तक ये 360 डिग्री, अगर 360 डिग्री से माइनस थीटा करेंगे सो बेसिकली एंगल हमारे पास या जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो कहां पर लाई करेगा, दिस विल लाई इन द क्वाड्रेंट नंबर 4। क्वाड्रेंट नंबर 4 में हमारे पास साइन क्या है, साइन इज बेसिकली नेगेटिव, सो ये ओवरऑल रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, दिस इज माइनस आयोटा साइन 360 डिग्री माइनस 50 डिग्री हमारे पास आएगा, आयोटा साइन ऑफ यहाँ से ये आपके पास माइनस साइन 50 डिग्री या माइनस साइन थीटा बनेगा, जो कि माइनस माइनस हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, दिस इज प्लस, सो ओवरऑल इसका रिजल्ट बनेगा प्लस आयोटा साइन ऑफ 50 डिग्री। अब यहाँ पर अगर हम देख ले, सो मॉडुलस हमारे पास क्या है, दिस इज 6 बाय कंपैरिजन जनरल फॉर्म के साथ अगर हम कंपेयर कर दें, एंड थीटा की वैल्यू या प्रिंसिपल आर्गुमेंट हमारे पास क्या है, 50 डिग्री, सो मॉडुलस इज 6 एंड थीटा इज 50 डिग्री इज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन, दिस इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट एमसीक्यू है, वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच 2 प्लस 3 आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा इज प्योर इमेजिनरी। हमने थीटा की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए ये हमारे पास क्या हो, ये ओवरऑल फ्रैक्शन जो कि बेसिकली डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये हमारे पास क्या हो, दिस इज पेवर इमेजिनरी। ऑप्शंस गिवन है ए बी सी एंड डी, 2 प्लस 3 आयोटा साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 आयोटा साइन ऑफ थीटा को हम क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे, सो ये ओवरऑल रिजल्ट आता है 2 प्लस 4 आयोटा साइन ऑफ थीटा एंड प्लस 3 आयोटा साइन ऑफ थीटा माइनस 6 साइन स्केयर ऑफ थीटा। यहाँ पर हमने आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट की है जो कि माइनस 1 है। अब अगर हम रियल पार्ट को रियल के साथ लिखिए, सो दिस इज व्हाट, 2 माइनस 6 साइन स्केयर ऑफ थीटा एंड ये दोनों ऐड हो जाएंगे इमेजिनरी पार्ट, सो प्लस 7 आयोटा साइन थीटा बनेगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 साइन स्केयर ऑफ थीटा एज इट इज आ जाएगा डिनोमिनेटर में। चूंकि हमने थीटा की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए ओवरऑल वैल्यू क्या हो, दिस पेवर इमेजिनरी, सो पेवर इमेजिनरी नंबर के लिए या पेवर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हमारे पास क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 0 होगा। सो ये अगर हम कंडीशन पुट कर, इसको हम स्प्रेड भी कर सकते हैं, 2 माइनस 6 साइन स्केयर ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 साइन स्केयर ऑफ थीटा एंड प्लस 7 साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 साइन स्केयर ऑफ थीटा इनटू आयोटा लिख सकते हैं। अब इसका बेसिकली आप रियल पार्ट क्या कर दे,
इक्वल टू जीरो कर दे, सो जो रिजल्ट आता है दिस इज व्हाट, 2-6 साइन स्केयर ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 1+4 साइन स्केयर ऑफ थीटा इज इक्वल टू जीरो। डिनोमिनेटर को राइट पे शिफ्ट कर दे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज जीरो। सो ओवरऑल 2-6 साइन स्केयर ऑफ थीटा इज इक्वल टू जीरो। अगर हम इसको राइट पे शिफ्ट कर दे तो ये आ जाएगा 6 साइन स्केयर ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2। एंड फर्दर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन अगर आप 2 पे डिवाइड कर दें बोथ साइड को, एंड यहाँ जो आपके पास 3 आएगा इसको आप राइट पे शिफ्ट कर दें, सो ये आप जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू, एंड आफ्टर टेकिंग स्केयर रूट जो वैल्यू आती है साइन थीटा इज इक्वल टू +-1 डिवाइडेड बाय स्केयर रूट 3। अब यहाँ पर एक वैल्यू हमारे पास क्या है, +1 ओवर स्केयर रूट 3, एंड सेकेंड वैल्यू हमारे पास -1 डिवाइडेड बाय स्केयर रूट 3 है। अगर हम डायग्राम देख ले साइन का, सो दिस इज व्हाट, 0 से पाई तक एंड और से ऑनवर्ड। अगर हम यहाँ 0 से पाई तक देख ले, सो साइन का ग्राफ हमारे पास क्या है, अबोव द एक्स एक्सिस, आई मीन दिस इज पॉजिटिव एरिया। एंड सिमिलरली अगर हम ये एरिया देख ले, सो दिस इज व्हाट, दिस इज द नेगेटिव एरिया। अगर हम ये नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, सो बेसिकली थीटा हमारे पास क्या होगा, इट विल एक्सीड द प्रिंसिपल आर्गुमेंट आर द प्रिंसिपल वैल्यू। सो ये हमारे पास एरिया नहीं आ सकता, मीन साइन थीटा इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 हमारे पास एक गुड ऑप्शन नहीं है। अब अगर हम दूसरे को चेक कर दें, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3, मीन दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली पॉजिटिव। एंड यहाँ पर 0 से पाई के दरमियान प्रिंसिपल इट लाइज इन व्हाट, इन द डोमेन ऑफ प्रिंसिपल आर्गुमेंट। सो द बेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ व्हाट ऑफ थीटा इज व्हाट, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी साइन इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। सो थीटा इज बेसिकली व्हाट, साइन इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। दिस इज नेक्स्ट वन है, लोगस ऑफ रियल ऑफ जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज व्हाट। लोगस को हमने इन डिटेल पढ़ा था कि बेसिकली दिस इज इन शॉर्ट दिस इज द सेट ऑफ पॉइंट्स, कोई भी आपके पास एक ज्योमेट्रिकल शेप हो सकता है। लोगस ऑफ रियल ऑफ जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये हमने बेसिकली क्या करना है, फाइंड करना है। ऑप्शंस गिवन है ए बी सी एंड डी। अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर ले ले, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज जी इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। इसको बोथ साइड पे आप स्केयरिंग कर दें, सो दिस इज जी स्केयर इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होल स्केयर। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इसकी वैल्यू हमारे पास एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई आती है। आयोटा स्केयर आप क्या पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे, सो ये प्लस की बजाय आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पर बेसिकली क्या है, इसका हमने लोकस फाइंड करना है, रियल ऑफ जी इज इक्वल टू 0 हमने पुट करना है। अब रियल पार्ट इसमें क्या है, दिस इज एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, सो रियल ऑफ जी स्केयर इज इक्वल टू 0 मीन एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू 0। बोथ साइड पे अगर आप इसको राइट पे शिफ्ट कर दें तो ये एक्स स्केयर इज इक्वल टू वाई स्केयर आ जाएगा। बोथ साइड पे आप क्या कर दें, इसके रूट ले लें, सो वाई इज इक्वल टू +-x आपके पास वैल्यू आती है। अब याद रखें इसका ऑप्शन हमारे पास क्या है, द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन इज वाई इज इक्वल टू +-x। लेकिन याद रखें ये ऑप्शन इस तरह भी आ सकता है, बेसिकली दिस इज व्हाट, दिस इज द पेयर ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। सो इसके बजाय ये भी आ सकता है कि बी ऑप्शन आपके पास क्या हो, कि दिस इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन, क्योंकि अगर हम इसमें ओरिजिन पुट कर दे सो ये सेटिस्फाई होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है या एमसीक्यू नंबर 4, इफ जी इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट जी स्क्वायर इज इक्वल टू जी कंजुगेट होल स्क्वायर, देन z is purely power real, z is power imaginary, either z is power real or power imaginary or none of these. So पहले हम वर्कआउट करते हैं इसमें, z is equal to x plus iota y, this is in the standard form, z conjugate हमारे पास आएगा x minus iota y। अगर both side पे हम क्या करते, ये equality ले ले, so ये आ जाएगा z square is equal to z conjugate whole square। बोथ साइड पे आप वैल्यू पुट कर दें x प्लस आयोटा वाई, एंड राइट साइड पे x माइनस आयोटा वाई। अगर हम वैल्यू पुट कर दें z इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड पे, सो ये x प्लस आयोटा वाई होल स्केयर आ जाएगा, एंड x माइनस आयोटा वाई होल स्केयर आ जाएगा। एक्सपेंशन करें a प्लस बी होल स्केयर एंड a माइनस बी होल स्केयर फार्मूला अप्लाई कर दिए, सो दिस इज x स्केयर माइनस वाई स्केयर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई। यहाँ पर जस्ट हमने
आयोटा स्केयर इज इक्वल टू माइनस वन पुट किया है। सिमिलरली ऑन द राइट हैंड साइड एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर माइनस टू आयोटा एक्स वाई। अब यहाँ पर ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है या बाय कैंसिलेशन ला आप क्या कर सकते हैं, एक्स स्केयर को कैंसिल कर सकते हैं एक्स स्केयर के साथ एंड माइनस वाई स्केयर को माइनस वाई स्केयर के साथ कैंसिल कर सकते हैं। अगर इसको हम एक साइड पे शिफ्ट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 4 आयोटा एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन या 4 आयोटा भी आप क्या कर दें, डिवीजन करें, सो एक्स वाई आपके पास एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है, अगर एक्स वाई का प्रोडक्ट जीरो है सो वी हैव टू पॉसिबिलिटी, एक्स इज इक्वल टू जीरो इसी वजह से रिजल्ट हमारे पास जीरो आता है, या वाई इज इक्वल टू जीरो इसकी वजह से ओवरऑल रिजल्ट जीरो आता है। हम दोनों पॉसिबिलिटी लेते हैं, अगर एक्स हमारे पास नॉन जीरो हो देन वाई विल बी जीरो, एंड अगर वाई जीरो होगा सो गैबन कॉम्प्लेक्स नंबर के आई मीन अगर इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा सो गैबन कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास पे वो रियल बनेगा। सेकेंड वन पॉसिबिलिटी इज अगर हम वाई को नॉन जीरो रख दें सो दिस इम्प्लाइज दे एंड तब भी रिजल्ट क्या है जीरो है, तो इसका मतलब क्या है कि एक्स की वैल्यू आपके पास जीरो है, एंड अगर एक्स की वैल्यू जीरो वाई नॉन जीरो है सो रियल पार्ट बेसिकली जीरो है, गैबन कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या बनेगा, दिस विल बी पेवर इमेजिनरी। सो द बेस्ट पॉसिबल चॉइस इज वाट, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वाट जी इज आइदर वाट आइदर पेवरली रियल आर पेवर इमेजिनरी। एक फॉर्म आप नोट करें, नोट दैट कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेस थीटा बी लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज आयलर फार्मूला, ई पावर आयोटा एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज कॉज ऑफ एक्स प्लस आयोटा साइन ऑफ एक्स, एंड फर्दर कॉज एक्स इज इक्वल टू ई पावर आयोटा एक्स प्लस ई पावर माइनस आयोटा एक्स डिवाइडेड बाई टू, एंड साइन एक्स इज इक्वल टू ई पावर आयोटा एक्स माइनस ई पावर माइनस आयोटा एक्स डिवाइडेड बाई टू। दीज आर बेसिकली वर्ड, दीज आर कॉल्ड आइलर्स आइडेंटिटीज, इनको अपकमिंग लेक्चर्स में हमने यूज करना है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड टाइम।